और जैसी हमने होश संभाला बड़े-बड़े स्टार्स को हम देखते थे टीवी पर उनके स्पीचेस सुनते थे ख्याल यही आता था क्या हम भी जहां पर से बड़े खिलाड़ी स्पीच दे रहे हैं क्या हम भी एक दिन वहां जा सकते हैं या नहीं और बहुत सारी ऐसी स्पीचेस आपने दी अपने करियर में और बहुत ऊंचाई हासिल करी इंडिया के लिए और हर मंच पर ऊंचाई हासिल करी. लेट मी ऑल्सो गेट इन रुजान एट दिस पॉइंट. यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स सेफ्टी इन पर्टिकुलर. इन वन सेंटेंस, योर विजन इज टू लिबरेट इंडिया ऑफ ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. Why do you feel so passionately about the cause? What drove you towards it? Because you're also an entrepreneur. You're also a mentor to entrepreneurs. Why this whole focus on women's safety? Should I speak in Hindi? Is it fine? Whatever you're Gujarati? Hindi ke Gujarati? Hindi mein bolte. We have guests from other places. So Hindi mein bolte. Jaise madam ne bola, I have to do it fast because this is a long journey. I'm coming from a business family. So jaise bhai sahab ne bataya, कि और कुछ नहीं था, हॉकी खेलना था. इस तरह मेरे केस में भी और कुछ नहीं, बिजनेस में जाना था. और बिजनेस में जाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि योर फादर्स बिजनेस, लाइक व्हाट ही वेंट इज, इसके जो फादर की प्रोफेशन थे हॉकी, मेरे फादर का बिजनेस था. बट अनफॉर्चुनेटली, दिस इज फॉर यू यूथ, फॉर यू यंग पीपल देयर, अनफॉर्चुनेटली मेरे में कीड़ा आया. कीड़ा ऐसा आया कि भाई मुझे अपना खुद का कुछ करना था, खुद की कुछ आइडेंटिटी मेक करनी थी. क्योंकि यू नो इट्स वेरी इजी व्हेन पीपल कॉल यू फॉर कि ये फॉर पर्टिकुलर बिजनेस की शी इज फॉलोइंग हर फादर्स बिजनेस. तो वो जो कीड़ा आया, तो कीड़ा ये आया कि मेरे को आईटी बिजनेस में आना है, सॉफ्टवेयर बिजनेस में आना है. बिकॉज दैट इज अ बिजनेस वेर यू रिक्वायर नॉलेज एंड बचपन से सिखाया गया है. एंड आई एम श्योर एवरीबडी आउट हियर नोज दैट, एंड इफ दे डोंट नो आप सीख लो कि नॉलेज इज पावर. दुनिया में और कुछ बड़ी बात नहीं है. अगर आपके पास आपका दिमाग है तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी जीत सकते हो. तो बिलीव दैट के नॉलेज इज पावर. गर्ल्स के लिए एक और रीच है, क्योंकि गर्ल्स तो हमेशा लाइफ में यू नो जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम्स है, हम शादी करके कहीं जाते हैं, हम हमारी फैक्ट्रीज लेके नहीं जा सकते, हम हमारे शायद बिजनेसेस लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम हमारा दिमाग लेके जा सकते हैं. और हम लाइफ में कहीं भी होंगे, वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, हम वहां से नया शुरू कर सकते हैं. सो कमिंग टेकिंग दैट इन टू कंसिडरेशन, आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड. ऑब्वियसली आई कैन थिंक ना, मैं सोच सकती हूँ ना. बिल्कुल बिल्कुल. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू. सो थिंकिंग ऑन दैट, आई सेड के कौन सा बिजनेस है, तो मैंने कंप्यूटर का बिजनेस किया. कंप्यूटर का इसलिए, एक और चीज बता दूं, ये अंदर की बात है, नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती थी. सबसे पहले कंप्यूटर इज अ जीरो कैपिटल बिजनेस. मुंडी जीरो चाहिए. सो कंप्यूटर का बिजनेस हर कोई कर सकता है, सिर्फ आपको दिमाग चाहिए, जो ऑब्वियसली सबके पास है, सिर्फ यूज करना है, और दूसरा चाहिए आपको कंप्यूटर. So I got into computer business, and after getting into computer business, ma'am, what happened? I'll just tell you. 5-7-8 साल computer business में लगे. उसमें भी वापस एक कीड़ा चढ़ा. कीड़ा creativity and innovation. I'll come to that later on because I think creativity and innovation has made a lot of difference. Right. And thanks to that innovative bug in me, because coming back, my family, my father is also into a lot of. He's a technocrat. So coming back into the creativity and innovation, जब ये अब आपका point social entrepreneur का. एंटरप्रेन्योर की भी बात कर लूँ, नॉर्मली यहाँ पे लोग ये, आई मीन ड्यू रिस्पेक्ट मैम, के नॉर्मली हम बोलते हैं गवर्नमेंट हमें क्या देगी फॉर एंटरप्रेन्योर. आप तुम्हारे टाइम तो भी स्टार्टअप है, और मेरे टाइम पे 15 या 20 साल पहले, नाउ डोंट स्टार्ट काउंटिंग माई एज, 15 या 20 साल पहले कोई एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप नहीं था. हम तो कहते थे धंधो, हमारो नानो धंधो. अभी ये समय एंटरप्रेन्योर वाला चक्कर तो तुम लोग आ गया है. तो स्टार्टअप वार्टअप कुछ नहीं होता, तो हम हमारा नाना धंधा चालू करते थे. और वो नाना धंधा में खुद हम कभी गवर्नमेंट के पास नहीं गए कि हमको ये स्कीम चाहिए, हमको ये फायदा चाहिए, हमको ये चाहिए, कुछ नहीं. खुद करो और मिलेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, और वेंचर कैपिटल भी नहीं मांगते, कुछ नहीं. वेंचर कैपिटल सोचे हमारे में एक ही चीज थी, वो थी वो नहीं, सीरियसली इफ एनीबडी ऑफ माय एज, मत पूछना, इफ एनीबडी कैन रिलेट विद दैट देन यू दैट. सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि डोंट डिपेंड. सबसे पहला फंडा है खुद में, अगर कॉन्फिडेंस है, खुद की अच्छी टीम है, अच्छा प्रोडक्ट है. सेकंडली, अगर अभी एंटरप्रेन्योर का लेक्चर नहीं देना मेरे को, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि आपका इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा तो आप कर पाओगे. द पॉइंट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग अदर्स टाइम ना, क्योंकि मैं मेन पॉइंट पे था ही नहीं. द मेन पॉइंट वाज दैट व्हाई यू पैशनेट अबाउट वुमेन्स. हां, वो वही फंडा पे आ जाती है एकदम फास्ट. ऐसा हुआ कि 2012 समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट निर्भया कांड हुआ, एवरीबडी नोज अबाउट इट. Yes. अब हुआ ये कि मैं आईटी फील्ड में हूँ, मैंने कई टेक्नोलॉजीज डेवलप किए, वी आर ब्रॉडबैंड आईएसपी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये वो बहुत सब धतिन किया है. तो हुआ ये
कि व्हेन दिस निर्भया कांड हैपन्ड आई वाज कांस्टेंटली इन टच विद लॉट ऑफ मीडिया पीपल गोइंग टू डिफरेंट स्टेशन. जैसे यश भाई ने बताया कि जा जाके झंडे गाड़ते थे बहनों के, तब मुझे अंदर से हुआ कि मैं हमारी बहनों को रेस्क्यू करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लाऊं जो बहनों को इमरजेंसी लाइक रेप मोलेस्टेशन, जैसे निर्भया, व्हाट हैपन्ड टू निर्भया, शी कुड नॉट कनेक्ट विद पुलिस फॉर वॉट एवर रीजन. और जब हम तचान तारे पे जाने की बात करते हैं, हम एक सिंपल टेक्नोलॉजी लोकेशन की नहीं डाल सकते. सो विद दैट टेक्नोलॉजी पुलिस हार्ट, मैंने ये इसमें सोशल फील्ड में जंप किया. ऑनेस्टली ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड है कि मैं यहाँ पे आई थी, मैं गवर्नमेंट में जब ये प्रपोज किया, आई वॉन्टेड टू सेल अ प्रोजेक्ट राइट. लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रुजान फ्री करेगी, पायलट करेगी. तो फिर आई डिडंट हैव अ चॉइस, ऑब्वियसली आई हैड टू डू इट फॉर माय गर्ल्स वुमेन. सो दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस. और ये बताइए कि उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट सुपर डुपर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सुपर डुपर ही बोलूंगी ना ऑब्वियसली, बट एनीवेज इट इज अ सुपर डुपर. देयर इज लॉट ऑफ केस स्टडीज व्हिच से कि हमने बहनों को जो जो फिल्मों में नहीं आता है वो लड़की को मारता है और पुलिस एंड में आती, नहीं हमारे में तो बहनों को जब बैट लगती थी रिकॉर्ड पे है एवरीथिंग, तब हमारी पुलिस बचाती थी. बहनों पे केरोसिन डलता था तब हमारी पुलिस बचाती थी. बहनों को रूम में गोद के मारा जाता था तब पुलिस आके बचाती थी. आज तक उस जब हमने ये चालू किया इंडिया में, कोई भी इमरजेंसी लाइन ले लो, कभी मिस कॉल पे जवाब नहीं, यानी मिस कॉल यानी आपने कभी पुलिस को मिस कॉल दिया है तो पुलिस वुड नेवर कॉल यू बैक. पुलिस तो छोड़ो, 108 को भी किया है तो 108 वुड नेवर कॉल यू बैक. वी स्टार्टेड दिस इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के इफ इवन इफ देयर इज अ मिस कॉल द पुलिस विल कॉल देम बैक एंड सी दैट अगर वो बहन इमरजेंसी में है तो उसको बचाएगी और उसको अगर वो एक मिनट इंपॉर्टेंट अगर